आज मैं इसे एक तोहफा देना चाहता हूँ। भेजू आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। मारम, आपने तो हांडी फोड़ी थी, ये सब कहाँ से आई? सरप्राइज है। कितने छोटे छोटे और ये देखो अर्जुन गुरु की शादी। मानव अंकिता भी अगर यहाँ होती तो रचना, वो हमारे साथ ही है। दिल से याद करो, तुम उसे महसूस कर पाओगी। आओ केक काट। अरे अंकिता बिटिया, वो फूल का माला तैयार हुआ कि नहीं? ये पूजा के लिए देर हो रही है, चलना है ना? बस हो ही गया, मैं देती हूँ। हाँ चल। छोटी माँ, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। थैंक यू, लेकिन मेरा हो गया है वैष्णवी, पढ़ाई हो गई आपकी? क्या फूल लगा लूँ? कैसी लग रही? बहुत सुंदर लग रही है, आपको ये फूल रोज लगाना चाहिए। तुम बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं हेल्प करता हूं। सर मैं कर लूंगी, आप छोड़ दीजिए प्लीज। मैं करता हूं ना सर, मैं करता हूं। अब लग रहा है ना ये गजरा मोहब्बत वाला? ये कौन लोग हैं जो बार बार मुझे दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं शायद जानता हूँ नहीं जानता, कुछ समझ नहीं आ रहा। किन लोगों की आवाजें आती हैं, ये क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? नरेन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मानव सर, अब हमें चलना चाहिए, और भी एक दो काम निपटाने हैं। मुलाकातें तो होती रहेंगी, फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए। And by the way, congrats for your marriage anniversary. Thank you so much. Azoba, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? अगर ये investors नरेन की company में invest करेंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। मतलब, तुमने परी को कुछ नहीं बताया? मानस सर, मैं क्या नहीं बताया? ये लो नरेन। ये क्या है आजोबा?
ये उसी कंपनी के कागजात हैं जिस कंपनी के बारे में परी बात कर रही थी। तुमने कंपनी बेच दी, मैंने कंपनी खरीद ली। कंपनी बेचने का इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने, तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे बाहर से पता चल गया और मैंने कंपनी खरीद ली, वरना माना सर एक्चुअली मैं बताने वाला था, मैं बात करने वाला था। कोई बात नहीं, ये लो पेपर्स। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम हिम। नरेन, असुफा क्या बोल रहे, तुमने कंपनी बेच दी? आना, मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे? आना, वो डिसीजन ऐसा था कि आई कांट बिलीव दिस। आना, आई वाज स्टक समवेयर, थोड़ा लॉसेस ज्यादा हो गए थे। आना, आंटी आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आती हूँ 5 मिनट में। ठीक है बेटा। ये 1 रुपया मैं ले लूँ, कुछ काम है। हाँ बेटा, वैष्णवी मैं आती हूँ। हेलो, अर्चना जी से बात हो सकती है? आपको आजी से बात करनी है, एक मिनट होल्ड रखो। प्लीज आई एम सॉरी, आई नो मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई लव यू। मैं तुम्हें बस ना। हाँ लो आजी, फोन काट दिया। माना सर, 2 मिनट बात करनी थी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली ये मैं कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ये कंपनी ऐसे नहीं दे सकता। क्यों नहीं ले सकते? तुम दामाद हो मेरे। एग्जैक्टली, मैं आपका दामाद हूँ, इसीलिए तो नहीं ले सकता। आपके कंधों का बोझ नहीं बनना चाहता, आपकी हिम्मत बनना चाहता हूँ। और मेरे पास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्राइड, सेल्फ बिलीफ, ये 3 चीज़ें, अगर आज मैंने ये कंपनी ले ली तो इन तीनों को खो दूंगा, जो मैं नहीं करना चाहता। आप माइंड मत कीजिए, लेकिन मैं ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करता हूँ बेटा। थैंक यू। लेकिन बेटा क्या करोगे तुम? कंपनी बेच चुके हो तुम। फिर से मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने स्किल से हो सका तो दोबारा एक कंपनी आपसे खरीद लूंगा, लेकिन ऐसे नहीं ले पाऊंगा। आई एम सॉरी। अभी तो मैं ये पेपर्स ले लेता हूं, लेकिन अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। जरूर। और मेरे साथ काम करने का ऑफर अभी भी खुला है, तुम जब चाहो मुझे मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वाना सर, मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी आना थोड़ी नाराज है तो मुझे निकलना होगा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुमने परी को बताया नहीं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पता नहीं था, अच्छा ही हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। थैंक यू। अपना ख्याल रखना।
अपन सॉरी आना, तुम पहले से टेंशन में थी इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। नरेन, टेंशन में थी? तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुमने हमारी कंपनी भेज दी। आना ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें टेंशन नहीं देना चाह रहा था। आना आना, एक मिनट, मुझे भी काम शुरू करना होगा, जॉब ढूंढनी होगी। एक मिनट, मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है नरेन, हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी वीक है, जब तक हम सब लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और वैसे भी आई एम अ बिजनेस वुमन। आना, आई कैन वर्क एंड आई नीड टू वर्क। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। मैं जानता हूं कि तुम एक बिजनेस वुमन हो, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है, तुम काम करना चाहती हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में काम करो। अपनी मर्जी से काम करो प्लीज, किसी प्रेशर में आके नहीं। अच्छा, तो हमारी फाइनेंशियल हालत कैसे ठीक होगी? कौन करेगा ठीक? तुम करोगे? इतनी सारी रिसोर्सेज तो तुम एग्जॉस्ट कर चुके हो, अपनी कंपनी बेच चुके हो, अब क्या करोगे? देखो नरेन, मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते या मुझे और पैसे चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया जो मुझे अंदर से खा रहा है। मैं अगर ऐसे घर में बैठी रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे काम करने दो। और वैसे भी अब तुम जो कंपनी बेच चुके हो, हमें जरूरत है इसकी। आई नीड टू वर्क। ना तुम किधर की बात किधर लेके जा रही हो? नरेन, what's going on? I'll handle it. Anyway, जो हुआ सो हुआ, तुम प्लीज आजोबा ने जो तुम्हें ऑफर दिया उसे एक्सेप्ट कर। नहीं कर सकता मैं एक्सेप्ट, और उसका रीजन मैं उनको दे चुका हूँ। नरेन, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और तुम मेरी हेल्प करना चाहते हैं, I understand that, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं ले सकता। अगर अगर वो चाहेंगे तो मैं उनकी कंपनी में काम कर सकता हूँ as a employee, बट जो मेरे को दे रहे हैं मैं ऐसे ले नहीं सकता उनसे। Thank God. प्लीज काम तो करोगे। What do you mean by that? मैं काम नहीं करता था पहले। ये सब क्या हो रहा है नरेन? I don't know. एक तो मैं गिल्टी हूँ कि मैंने मैंने जो किया, अपना बच्चा, बट I'll start all over again. मैं मेहनत करूंगा, अपने पैरों पे फिर खड़ा होऊंगा, and I'll get the company back. I just need all your support. हमारे बच्चे को मार के अब खुश हो? ये सब तुमने किया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मारा है मेरे बच्चे को। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि चांसेस बहुत कम है, और अब ये रिपोर्ट्स देखने के बाद तो आई मीन परी के माँ बनने के चांसेस बहुत कम है। अरे आप तक सोए नहीं? आइए बैठिए ना। ऐसे ही कुछ पुरानी तस्वीरों को देख रहा था दिव्या की। देखिए ये हमारी शादी की तस्वीर। और ये तस्वीर तब की है जब हम शिमला घूमने गए थे। दिव्या को बर्फ बहुत पसंद थी, सारा दिन बर्फ में घूमती रही और बीमार हो गई, और उसके बाद मैं उसके पीछे घूमता रहा। फिर हमारी जिंदगी में वैष्णवी आई। रात बहुत हो गई है, आपको भी आराम करना चाहिए। हाय,
ठीक है, अपना ध्यान रखना, और हाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होते ही फोन कर देना। ठीक है, ओके बाय। आई का फोन था, फ्लाइट बोर्ड कर ली और दिल्ली एयरपोर्ट लैंड होते ही फोन करेगी। बट आर यू श्योर वो ये सब कुछ मैनेज कर पाएगी? आई मीन इतनी दूर जाना, मीटिंग अटेंड करना। बाबा इतने साल रह के इतना तो सीख ही गई होगी ना, कौन सा आउट ऑफ कंट्री जाना है, ये रहा दिल्ली। फ्लाइट लैंड होते ही फोन करेगी। और हाँ आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। मैंने मिश्रा जी से बात कर ली है, और वैसे भी आप दोनों का नाम है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो आई आपकी जगह मीटिंग अटेंड कर सकती है। बेटा आज नरेन का ऑफिस में पहला दिन है, हम में से किसी का रहना बहुत जरूरी है उसके मॉरल सपोर्ट के लिए, मुझे तो जाना ही होगा। आप इतनी जिद कर रहे हैं तो। तू चिंता मत कर, मैं तुझे फोन करता रहूंगा, और आएगा फोन आए तो उसे कहना कि मेरे से बात करें। ओके क्या ढूंढ रही हो? वो एक सीडी देखी है तुमने? थैंक गॉड मिल गई। क्या है इसमें? इसमें मेरी प्रेजेंटेशन है, आजोबा का दिखानी है, और हम दोनों को साथ ऑफिस आके देख आजोबा कितने खुश हो जाएंगे। You've decided, तुम भी चल रही हो ऑफिस? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम दोनों साथ में काम करें? देखो नरेन अब तुम्हारा बिजनेस तो रहा नहीं, तो दिस इज आवर बेस्ट ऑप्शन। हम दोनों साथ में काम करेंगे, आजोबा का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाएंगे, अपना 100% देंगे, एंड देन आई एम श्योर एक दिन हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकल जाएंगे, और उसके बाद अपना बिजनेस फिर से खड़ा करेंगे। देखो नरेन हमें आजोबा को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ लेकिन हम उन पे ऐसे टोटली डिपेंड नहीं हो सकते ना। नरेन तुम इतना इमोशनली क्यों सोच रहे हो, जस्ट बी प्रैक्टिकल। हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं, बट इस वक्त हमारी यही ज़रूरत है। वैसे आई एम सॉरी, कल मैंने तुमसे बहुत रूडली बात करी। सॉरी भी तो रूडली बोल रही हो। एनी वे वी गेटिंग लेट। इट्स ओके, चलो मैं आ रहा हूँ। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आप लोग यहाँ कैसे? आपके साथ आरती गा रहा था, अच्छा गाता हूँ ना? बहुत अच्छी। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, आपने तो हमें इनकी जिंदगी बदल दी। आजकल खूब अच्छा गाते हैं, आज जीत कर पड़े आपके पास आने की तो हम ले आए। बहुत अच्छा किया। मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे भूल गए। अंकिता जी ये हमको भूल भी जाए तो हमें कोई गम नहीं, बस ये ठीक हो जाए। आप हमारे साथ मंदिर चलेंगी ना? वो लोग कहते हैं कि वहां जो भी जाते हैं भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, तो आप चलेंगी ना? आपकी भी पूरी होंगी। अरे अंकिता बिटिया रुको रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ ठीक है आंटी, मैं थाली ले लेती हूँ पूजा की। हाँ बिटिया। लो सूरज भगवान आसमान में आके कब के पुराने हो गए हैं, और ई महोदय को देखो अब तक नींद नहीं पूरी हुई है। आंटी वो रात को रणविजय लेट सोए थे, वो दिव्या की तस्वीरों को लेके बैठे हुए थे, तो शायद इसीलिए अब तक। पूरे साल में 300 रातें एक ऐसे ही कटती, पता नहीं उधर से बाहर कब आएगा। आंटी एक बात पूछूं, रणविजय हमेशा मुझसे बातें करते रहते हैं दिव्या के बारे में, मुझे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन अब तक मुझे रणविजय ने ये नहीं बताया कि दिव्या की डेथ कैसे हुई थी।
दुख तो ई बात का है बेटी कि रणविजय आज तक मानने को तैयार नहीं है कि दिव्या मर चुकी है। उसकी आंख से आज तक एक आंसू तक नहीं निकला। चल बिटिया, आज हमरा भगवान से झगड़ा होगा फिर से। जब तक हमरे बेटे को शांति नहीं मिल जाती, हमरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल